पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के, और वो टॉपिक के चेंज द डिग्री कहते हैं, या उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन हमें कैसे पढ़ना है? नो फॉर्मूला, नो रूल्स, ओनली वन ट्रिक से हमें इसे पढ़ना है, सिंपल तरीके से। पहले दो वीडियो में हमने बेसिक्स को पढ़ा था, किस तरह से हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव इज कन्वर्ट टू पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब भी किसी भी सेंटेंस में एनी अदर होगा तो उसकी जगह पे हमें नो अदर का इस्तेमाल करना है। तो बहुत बेहतरीन वीडियो है, इस वीडियो को भी हम ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। तो पहला बेसिक फिर एक बार देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री को? तो पॉजिटिव डिग्री में एज होगा या सो एज होता है। तो जब भी सेंटेंस में ये वर्ड दिखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। कंपैरेटिव डिग्री को भी कैसे पहचानते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए भी हमें कैसे ढूंढते थे हम? कंपैरेटिव में ER होता है किसी वर्ड को, नहीं तो दैन कंपलसरी होगा, नहीं तो मोर तो होगा। तो ये वर्ड जिस भी सेंटेंस में दिखते हैं उसे हम कंपैरेटिव करते हैं। तो आज हम देखेंगे कंपैरेटिव इज कन्वर्ट टू पॉजिटिव डिग्री, उसी ट्रिक से हम इन सेंटेंस को भी आसानी से कंपैरेटिव डिग्री का कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और उसी ट्रिक को हमें फॉलो करना है जो ट्रिक हमने पहली वीडियो में भी पढ़ी थी। तो देखो, जब भी सेंटेंस में एनी अदर वर्ड होगा, जब किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बदले हमें नो अदर का इस्तेमाल करना है। यही सिर्फ आपको ध्यान में देना है। जब भी सेंटेंस में एनी अदर होगा किसी भी सेंटेंस में, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके बदले क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नो अदर। बाकी की जो ट्रिक हमने पढ़ी ही, वैसी ही ट्रिक को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये पहला सेंटेंस देखो, सिंपल है। कोलकाता इज लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है, पहले हम डिग्री को पहचानते थे। तो यहाँ पे ER है, दैन है, मतलब जो ऊपर का सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, उसका डिग्री क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी कंपैरेटिव डिग्री है, तो जो वर्ड हमें ढूंढना था जिसे ER लगा है, उस वर्ड को हमें निकालना है। तो यह वर्ड था लार्जर, तो ये वर्ड क्या बनेगा? लार्जर का ये ओरिजिनल वर्ड है लार्ज, तो उसे लिखना है। तो इसका ER हमने निकाला और लार्ज लिखा। अब भी क्या करना है हमें? इसे पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में कैसे करते थे? तो पॉजिटिव में क्या आता है मालूम है? एज और एज, तो उसके दोनों साइड में हमें एज लगाना है। उसी ट्रिक को हम फॉलो करते हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आना है, लार्जर को लिखा तो दैन तो पॉजिटिव में नहीं होता है, उसे हमसे कैंसिल किया हमने। यहाँ पे इज है तो इज लिखो। अब ये पहला वर्ड है, इसे आपको लास्ट में लेके जाना है, कोलकाता। कितना सिंपल है। अब भी दैन के बाद जो वर्ड्स है यहाँ पे कौन सा वर्ड है, इन सभी वर्ड्स को हमें आगे लाना है। तो यहाँ पे एनी अदर है, और एनी अदर की जगह पे हमें क्या लिखना है? नो अदर। तो हमने नो अदर लिखा। देखो बच्चों, वही ट्रिक है। अब भी नो अदर, एनी अदर की जगह हमने क्या लिखा? नो अदर, तो ये भी कैंसिल हो गया। सिटी इन इंडिया, बात के वर्ड्स, सिटी इन इंडिया। तो देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव में करना पड़ेगा। लेकिन हमने नेगेटिव में क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने नो का इस्तेमाल किया है, तो ये नेगेटिव बन गया, हमें करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। तो जिस भी वर्ड को ER लगा है उस वर्ड को लिखो लार्ज। पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव में एज दोनों साइड में हमने लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे इज लिखा, और ये पहला था, उसे लास्ट में लिखा। एनी अदर की जगह यहाँ पे नो अदर लिखा, सिटी इन इंडिया। तो आंसर क्या बनेगा? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता। तो इतना सिंपल ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैरेटिव का पॉजिटिव में। ये दूसरा सेंटेंस देखो, अशोक वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। तो पहले ER का जो वर्ड है ना, उसे ढूंढ को निकालो। यहाँ पे ER है, तो मतलब ग्रेटर वर्ड है, और दैन भी आ गया, मतलब ये कंपैरेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं? तो जिस वर्ड को ER लगा है ना, उसको निकाल दो। तो ये ओरिजिनल वर्ड क्या है? ग्रेट, तो उसे हम लिखेंगे ग्रेट। तो पॉजिटिव करना है तो उसके दोनों ही साइड में एज लगाओ। यहाँ पे लिखा हमने, तो पॉजिटिव में दैन नहीं होता है तो इसको निकाल दो। तो यहाँ पे क्या है? वॉज, तो वॉज लिखो। ये पहला वर्ड है अशोक, इसको लास्ट में लेके जाओ, अशोक। और ये लास्ट के वर्ड है, इनको हमें पहले लाना है यहाँ पे।
लेकिन एनी अदर है यहाँ पे, एनी अदर के बजाय हमें क्या लिखना है, नो अदर। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम नो अदर, उसके बाद आगे क्या है, किंग ऑफ इंडिया, तो ये लिखो किंग ऑफ इंडिया। तो क्या हमारा आंसर बनेगा बच्चों, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज अशोक। तो इतना सिंपल है, कंपैरेटिव का कन्वर्ट हम पॉजिटिव में करते हैं, लेकिन एनी अदर होगा तो उसकी जगह पे हमें क्या इस्तेमाल करना है, नो अदर। तो ट्रिक हमारी वही है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसी ट्रिक से हमें इन सेंटेंस को भी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। लता इज बेटर दैन एनी अदर सिंगर, तो यहाँ पे ए आर ए आर दैन है, इसका मतलब इस सेंटेंस का जो डिग्री होगा होगा कंपैरेटिव डिग्री, इसे हमें पॉजिटिव में करना है। तो ईआर लगा हुआ वर्ड है ना, ये वर्ड है बेटर, तो इसका जो वर्ड है ना हमें वो लिखना है। तो पॉजिटिव में बेटर की जगह पे क्या होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, बेटर से गुड वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है, गुड, तो हमें ये यहाँ पे गुड लिखना है। और सुपरलेटिव में क्या बनेगा, बेस्ट बनेगा, गुड बेटर और बेस्ट। तो चलो यहाँ पे क्या लगाना है, पॉजिटिव करना है तो एज, इस साइड में भी क्या लगाना है एज। अब इधर आइए, तो ये इस वर्ड को हमने गुड में लिखा, तो दैन को तो हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड है इज, ये पहला है लता, इसे लास्ट में लेके जाओ लता, और यहाँ पे ये लास्ट के वर्ड इनको पहले लाना है, लेकिन यहाँ पे एनी अदर है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नो अदर, और कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सिंगर। तो क्या आंसर बना, सिंपल, नो अदर सिंगर इज एज गुड एज लता। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी आसानी से बना सकते हैं, जब किसी भी वर्ड में एनी अदर होगा तो हमें नो अदर का इस्तेमाल करना है। चलो ये देखो, टीवी इज अ क्विकर देन एनी अदर मीन्स ऑफ रीचिंग अवर पीपल। तो चलो यहाँ पे ईआर किधर है, ये देखो ईआर यहाँ पे, उसके बाद तुरंत यहाँ पे ध्यान भी है, मतलब ये कंपैरेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव में करना है। तो ईआर वाला वर्ड लिखो, हमें क्या लिखना है वर्ड, क्विक, ईआर निकाला हमने, इसके इस साइड में एज लगाओ, इस साइड में भी एज लगाओ, मतलब ये पॉजिटिव में हो गई। अभी हमें ध्यान तो नहीं लिखना है, तो इस वर्ड को लिखा, अभी ये क्या है इज, तो इसे भी लिखो। ये टीवी है ना, ये पहला वर्ड है, इसको लास्ट में लिखो टीवी, और ये लास्ट के सारे वर्ड्स है, इनको हमें कहाँ पे लेके आने, पहले, तो यहाँ पे एनी अदर है, तो एनी अदर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नो अदर, क्या लिखना है हमें, नो अदर। उसके बाद अदर, नो अदर मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ, आगे क्या है, रीचिंग आवर, उसके बाद पीपल, तो यह हमारा आंसर बना, नो अदर मीन्स ऑफ रीचिंग आवर पीपल इज एज क्विक एज टीवी। तो बच्चों देखो, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया था, ट्रिक वही है, एक ही ट्रिक से हम चल रहे हैं, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। तो पहले वीडियो में तो हमने बेसिक को पढ़ा था, दूसरी वीडियो में भी हमने बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस को सॉल्व किया, और इस तीसरी वीडियो में हमें क्या किया, कंपैरेटिव इज कन्वर्ट टू पॉजिटिव डिग्री, मतलब जिस भी सेंटेंस में एनी अदर होगा तो उसकी जगह पे हमें नो अदर का इस्तेमाल करना है। अगले वीडियो में हम अगला टाइप डिग्री का बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।